नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 खबरों को जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे राजद ने नीतीश कुमार को तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए क्या ऑफर दिया, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में, साथ ही जानेंगे किसान के समर्थनों के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज के बारे में, नए वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन के बारे में, राज्य में जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के अपडेट को लेकर, फिर जानेंगे बिहार में अब डीजल ऑटो नहीं चलने वाली खबर को लेकर, राज्य में स्कूल के छात्रों को अब दो दो मास्क फ्री मिलेंगे, फिर बड़ी खबर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, बाहर रहने वाले बिहारियों के लिए कुछ अच्छी खबर, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बदलाव को लेकर, साथ ही जानेंगे राज्य में अब पहले से ज्यादा महंगा मिलेगा बालू, राज्य में कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने की खबर को लेकर, और फिर अंत में जानेंगे कि आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे कब से शुरू होने वाली है। इसी के साथ ही फटाफट आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लास्ट में एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उनका सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। और साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं। बड़ी खबर, राजद ने फेंका नया पासा, नीतीश समर्थन देकर तेजस्वी को सीएम बनाए, बदले में विपक्ष पीएम पद के लिए नीतीश का समर्थन करेगा। जी हां, बिहार में भाजपा और जदयू के बीच चल रहे पावर वार के बीच राजद ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा पासा फेंका गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दे तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकते हैं। उन्होंने ये बात रांची में कही। आपको बता दें कि एक समय था जब नीतीश को प्रधानमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना गया था, लेकिन इस दौर में नरेंद्र मोदी ने उन्हें मात दे दी। भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी काफी पहले यह बयान दिया था। आपको बता दें कि फिलहाल राजद के पास 75 सीटें हैं, भाजपा के पास 74 और जदयू के पास 43 सीटें हैं। अगर जदयू राजद को समर्थन दे दे तो सरकार राजद की बन जाएगी। पटना में बवाल, किसानों के समर्थन में राजभवन की ओर बढ़ रहे किसान महासभा और लेफ्ट के कार्यकर्ता पर पुलिस का लाठीचार्ज। जी हां, किसान आंदोलन के समर्थन में पटना में किसान महासभा और वाम दलों से जुड़े 10,000 कार्यकर्ताओं मार्च निकाल रहे थे। गांधी मैदान से राजभवन की ओर निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। यहां से राजभवन की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने समझाया लेकिन नहीं माने। ऐसे में उनसे पुलिस से धक्का मुक्की हो गई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए और राजभवन जाने की जिद पर अड़ गए। बाद में करीब 2:45 में वहां से हटे। राजद और कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, फैसला पक्ष में आया तो सत्ता पक्ष की बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। जी हां, नए साल में कई जीते हुए विधायक की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राजद और कांग्रेस ने पहले ही आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष की मिलीभगत से उन्हें हराया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, खास तौर से पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार वकीलों के संपर्क में रहे और मंथन चलता रहा। 4 जनवरी को पटना हाईकोर्ट खुलेगा, तब इससे जुड़े मामले की सुनवाई होगी। राजद और कांग्रेस के ऐसे कई उम्मीदवार कोर्ट गए हुए हैं जो काफी कम अंतर से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। हाईकोर्ट का फैसला कोर्ट गए विधायक के पक्ष में रहा तो सत्ता पक्ष के कई विधायकों की मुश्किलें नए साल में बढ़ सकती है। आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे 1 जनवरी से दौड़ने लगेगी गाड़ियां, 14 के बाद मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। जी हां, 1 जनवरी से आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे लोगों के लिए खुल जाएगा। बेली रोड फ्लाई ओवर तैयार हो गया है। आर ब्लॉक से दीघा के बीच 6.3 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय होगी, लेकिन खरमखास के बाद सीएम नीतीश कुमार विधिवत उद्घाटन करेंगे। हाईवे पर 6 डिजिटल वेरिएबल मैसेज स्क्रीन लगाए गए हैं, इससे जाम होने की जानकारी तत्काल दी जाएगी ताकि गाड़ी वाले लोग सर्विस लेन से दूसरी सड़क पकड़कर गंतव्य तक पहुंच सके।
जीत पर अड़े डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव से वार्ता के बाद भी नहीं टली हड़ताल, मरीज बेहाल। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव से मौखिक आश्वासन मिलने के बावजूद जूनियर डॉक्टर की हड़ताल नहीं टूटी। उनके तमाम तरह के आश्वासन और आग्रह के बाद भी जूनियर डॉक्टर अपनी जीत पर अड़े रहे और बिना लिखित आश्वासन के काम पर लौटने से साफ मना कर दिया। मरीजों की परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधियों की बात प्रधान सचिव से फोन पर हुई। इस अवसर पर पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक और प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में प्रधान सचिव ने जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने का आग्रह किया और यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सभी जूनियर डॉक्टर बिना लिखित आश्वासन के काम पर लौटने से साफ मना कर दिया। तो दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर के पक्ष में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी सीएम नीतीश कुमार से कर दी ये मांग। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने जूनियर डॉक्टर के हड़ताल का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से अनुरोध किया है कि राज्य हित जूनियर डॉक्टर की सभी मांगों को मान ली जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध है कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य हित में जूनियर डॉक्टर की सभी मांगों को मानकर अविलंब उनके हड़ताल को खत्म करवाए। जूनियर डॉक्टर के हड़ताल का सीधा असर गरीब पर पड़ रहा है। बीएसईबी मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की तारीखों में हो सकता है बदलाव। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा के लिए दो बार टाइम टेबल जारी किया है। फरवरी में ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होनी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि तारीखों में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। यह अंदेशा इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की डेटशीट की घोषणा 31 दिसंबर की शाम को होगी। बिहार सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के उस फैसले का इंतजार कर रही है जिसमें सीबीएसई परीक्षाओं के आयोजन का तारीखों की घोषणा होगी। शिक्षा विभाग के सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीख बढ़ सकती है। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि फरवरी मार्च में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। कोरोना संकट के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, राज्य में पहले से ज्यादा महंगा मिलेगा बालू। सरकार ने बंदोबस्त राशि 50% महंगी की। जी हां, पहले से ही महंगे हो चुके बालू की कीमतें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिहार में बालू की कीमतों में इजाफा होना तय है। सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्त राशि में 50% का इजाफा किया है। जी हां, सरकार ने बालू बंदोबस्त धारियों की बंदोबस्त अवधि को 31 मार्च 2031 तक के विस्तार दे दिया है, लेकिन कैलेंडर वर्ष 2020 के बाद बंदोबस्ती की राशि में 50% का इजाफा भी कर दिया है। अब 1 जनवरी 2021 से बंदोबस्ती की राशि 50% महंगी होगी और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। राजस्व वृद्धि के लिए नीतीश सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। बिहार खनिज नियमावली 2019 के नियम का हवाला देते हुए 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 12 एजेंडों पर लगी मुहर, छठे वित्त आयोग को मिला एक्सटेंशन। जी हां, बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट कल छठे वित्त आयोग को एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया है। छठे वेतन आयोग की अवधि अब बढ़ाते हुए 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। पहले वित्त आयोग को विस्तार दिया जा चुका था। इसके अलावा नीतीश सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम पर मुहर लगा दी है। साथ ही उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया है। शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के गठन के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बीपीएससी पेपर लीक मामला, आयोग ने जांच के लिए कमेटी बनाई। जी हां, बड़ी खबर, रविवार को आयोजित हुई बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप की जांच होगी। आयोग में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान औरंगाबाद जिले के एक एग्जामिनेशन सेंटर पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था। परीक्षार्थियों का आरोप था कि क्वेश्चन पेपर लीक किया गया। एग्जामिनेशन सेंटर में उसकी सील पहले से खुली हुई थी। औरंगाबाद में प्रश्न पत्र लीक होने के कारण हुए बवाल और हंगामा को देखते हुए आयोग ने अब अपने दो वरीय अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा दिया है।
राज्य में अब बाहर रहने वाले बिहारियों का रिकॉर्ड रखेगी सरकार, बनेगा अलग विभाग। जी हां, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार विदेश से लेकर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले तमाम बिहारियों का डाटा बैंक तैयार करेगी। इसके लिए अलग विभाग बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। उन्हें कोई तकलीफ होने पर राज्य सरकार के स्तर पर वार्ता कर दूर कराएंगे। साथ ही उनके हुनर का इस्तेमाल कर लघु व मध्यम स्तर का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वे सोमवार को एक्शन एड द्वारा समताल मूलक समाज के निर्माण में सरकार की विकासमक निधि एवं कार्यक्रम की भूमिका पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। श्रम मंत्री ने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए हम SC/ST के लोगों को 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। इसमें 5 लाख का अनुदान होगा, जबकि बाकी 5 लाख सिर्फ मूलधन किस्तों में अदा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए अच्छी खबर, अब अपने ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए दिन व समय। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पासपोर्ट की तर्ज पर नए साल में लाइसेंस बनाने वालों को भी अपनी मर्जी के अनुसार टाइम स्लॉट का चयन कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने पटना सहित कुछ जिलों में इसका ट्रायल शुरू भी कर दिया है। जल्द ही पूरे राज्य में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मौजूदा व्यवस्था में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को किस दिन ड्राइविंग की परीक्षा देनी है, इसका समय व दिन परिवहन विभाग की ओर से ही दिया जाता था। ऐसे अगर किसी को उस दिन काम आ जाए तो भी लोगों को मजबूरी में ड्राइविंग की परीक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तब तिथि में नहीं आने पर आवेदकों को लंबी और दूरा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी उद्देश्य के साथ विभाग ने तय किया है कि जिस तरह से पासपोर्ट बनाने के लिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार समय व दिन का चयन करते हैं, उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी यही सुविधा दी जाएगी। अब चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन भी ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, तो फिर टाइम स्लॉट लोगों की पसंद के अनुसार क्यों नहीं हो। इस सोच के तहत विभाग ने पटना सहित कई प्रमुख जिले में इसका ट्रायल शुरू भी कर दिया है। बिहार में 4 से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का आदेश, 36 लाख छात्रों को मिलेंगे 2-2 मास्क। जी हाँ, बिहार के 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के 36,62,000 बच्चों को 2-2 मास्क मुफ्त में दिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। ये मास्क जीविका के माध्यम से 31 दिसंबर तक सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद स्कूल के प्रधान अध्यापकों को मास्क दे दिया जाएगा। मास्क ऐसे होंगे जिन्हें धोकर पुनः इस्तेमाल किया जा सकेगा। गौरतलब है कि 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान एक दिन में कक्षा के 50% बच्चे स्कूल आएंगे, 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे। CNG किट मिला नहीं, 31 जनवरी से बंद होंगे डीजल से चलने वाले ऑटो। जी हां, पटना नगर निगम क्षेत्र में 31 जनवरी और राज्य में 31 मार्च से डीजल चलित ऑटो का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। सरकार के इस आदेश से राज्य में करीब 1,85,000 डीजल चलित ऑटो बेकार हो जाएंगे, क्योंकि राज्य में डीजल चलित ऑटो में CNG किट ही नहीं आई है। किट कैसे लगेंगे? राज्य में अभी सिर्फ पेट्रोल चलित ऑटो में CNG किट लगाई जा रही है। ऑटो चालकों का कहना है कि नए ऑटो में CNG किट लगाकर आ रहे हैं। पटना में 8 CNG रिफिलिंग स्टेशन है, इनमें कई स्टेशन अक्सर खराब रहते हैं। ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्र में 31 जनवरी से अगर डीजल चलित ऑटो का परिचालन बंद होता है, तो पटना नगर निगम क्षेत्र के 17,000 से अधिक डीजल चलित ऑटो बेकार हो जाएंगे और 17,000 ऑटो चलाने वाले ऑटो चालक के परिवारों के सामने रोटी रोटी की समस्या आ जाएगी। बता दें कि राज्य में 2,65,000 ऑटो चल रहे हैं। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई। जी, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 622 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,51,926 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,234 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तो दूसरी ओर राजधानी में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 241 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से जान चली गई है और राज्य में कुल कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1386 तक पहुंच गया है। आज के लिए आपका सवाल, देश में दूसरा और बिहार में पहला ग्लास ब्रिज कहां पर बनाया गया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।